जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, वो देखें जी सामने से बच्चे चलते आ रहे हैं स्कूल से। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घर में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली के साथ हंसता फंसता रखे, शादोआबाद रखे, हमारी दुआ होती है आप सब बहन भाइयों के लिए। देश परदेश से जो मेरे प्यारे से बहन भाई हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। देखें जी मोहम्मद सईद जो है वो बिल्कुल खेल कूद में मसरूफ है, बिल्कुल मगन है अपने कामों में। कहता है मुझे बर्तन दे दो खेलने के लिए, मैं इसको कप गिलास दे देती हूँ, बहुत मजे से खेलता रहता है जी। आज हम घर में बिल्कुल अकेले हैं, बच्चे दोनों स्कूल गए हुए हैं, स्कूल से जैसे आते हैं आपके साथ इंशाल्लाह सारा दिन का व्लॉग शेयर करेंगे। वीडियो के साथ प्लीज बने रहिएगा, जो भी चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करके मोहम्मद को मदद कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। मामा से इनके हाथ धुलाते हैं, हाथ सारे मिट्टी वाले किए हुए हैं, और मेरे जानी का ना जो गला भी खराब है, जुकाम भी हुआ है मोहम्मद सईद को। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, वो देखें जी सामने से बच्चे चलते आ रहे हैं स्कूल से। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह चलो जानी कपड़े वगैरह चेंज कर लो। है आज एक ना मौजूदा सा हुआ है, स्कूल का टाइम जल्दी जल्दी गुजरा है। अरे वाह माशाल्लाह, मोहम्मद भाई चलते हैं। जा फातिमा, प्यारे दोस्तों जी हम आटा गूंद लेते हैं क्योंकि बच्चे आए हैं, दोपहर का टाइम आते ही उन्होंने भूख भूख लगा दिया है, तो बिस्मिल्लाह करके आटा गूंदते हैं और बच्चों को जो है दोपहर का खाना देते हैं। आटा भी जी हमारा खत्म हुआ है, हमने 5 किलो लिया था, खत्म हो चुका है। स्कूल झाड़ू के ऊपर मेरा पाँव आ गया था, अहमद ने नहीं तोड़ा, हर काम अहमद। हाँ मेरा पाँव आया था फूल झाड़ू पर। प्यारे दोस्तों बाहर ट्रैक्टर चल रहा है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा होगा, आप लोगों को प्लीज इसको इग्नोर कर दें क्योंकि चारों तरफ देहात है, हमारे घर के सेंटर में ही हमारा घर है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो ट्रैक्टर अगर दूर भी कहीं फिरे तो आवाज बहुत ज्यादा करीब आती है, ये तो बिल्कुल फिर करीब है हमारे ना। माशाल्लाह जी हमारा आटा जो है हम गूंद रहे हैं और फातिमा जो है सफाई करी। फातिमा आटे में सारी मिट्टी आएगी, रुक जाओ बेटा, बस तो नहीं नहीं अब रुक जाओ, आटा गूंदने दो पहले मुझे बेटा। अच्छा। फातिमा कह रही है मैं सफाई कर लूं, अच्छा काम तो कर रही है, सफाई करके घर को प्यारा बना रही है, नीट कर रही है, लेकिन आटा गूंद लूं बाद में। प्यारे बहन भाइयों बच्चों को जो है दोपहर का खाना बना के दे रही हूँ मैं, और मोहम्मद सईद बहुत ज्यादा जिद करने लग गया, पता नहीं क्या हो गया मोहम्मद सईद को, अभी अच्छा भला खेल था, आप नहीं छेड़ा है मोहम्मद सईद को। दोस्तों मैं गलत चौकी पे बैठी हुई हूँ, चौकी चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह
प्यारे दोस्तों दोपहर का खाना है हमारा, लेकिन हम अंडे तल रहे हैं। साथ अहमद फातिमा कहते हैं मामा रोटी को घी भी लगा दो। घी भी लगा के देख लिया है, दे दिया है। और दूसरा दाल भी है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सालन है, लेकिन फिर भी हम जो है वो अंडे तल रहे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अंडे में डालूं मिर्ची या सादा बना के दूं? सादा बनवा लो आप, सादा खाती हो। हमारे साथ खाना खाए, हमारे साथ खाना खाए आके बहुत दाल खाना है। शाबाश, दाल भी खाओ सही। जी ठीक है, मैं तो दाल के साथ। ये लो अंडा पे बन गया, ये भी ले जाओ। अरे दोस्तों दोपहर का खाना बच्चों को खिला दिया है और फातिमा घर के कामों में लग गई है आने समय। तो जी फातिमा क्या कर रही हो? सुनो मैं थोड़ा धो रही हूँ, देखा था हालत आपको यार। हाँ जनी, इधर रेत ना डाला करो ना बेटा। एक बहन या पति कोई भाई था या बहन थी, वो पूछ रहे थे कि आपने ये होदी तो बनाई है लेकिन होदी की आपने नाली तो बनाई नहीं। शायद उनको नजर नहीं आई क्योंकि वहाँ पे छांव थी। आपको मैं होदी दिखाऊँ, वो देखें पानी जा रहा है वहाँ से, वो कोने में। हमने यहाँ कोने में होदी रखी है, जो हमारा पहले वाला नलका था ना उसकी होदी हमने नाली थी हमने दरमियान में रखी थी, जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब हमने कोने में रख दी है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है कोने में होदी रखने के बाद ना। फातिमा ने अभी वॉशरूम भी धोना है, नलका वगैरह फातिमा ने सारा साफ़ कर लिया है। माशाल्लाह फातिमा ने सैन की सफाई भी कर ली है, काफ़ी काम माशाल्लाह फातिमा कर लेती है माशाल्लाह। अब जी कमरे की झाड़ू लगाती हूँ, दोबारा गंदा हो गया, सुबह लगाई थी झाड़ू गंदा हो गया। अहमद जो है वो सेटिंग कर रहा है, कहता है मम्मा मुझे नींद आ रही है, सेटिंग वगैरह करके ना बेड की मैं सोता हूँ। मैंने कहा शाबाश बेटा आप सो जाओ। मैं बच्चों को ना यहाँ दूर दूर तक जाने नहीं देती क्योंकि मुझे खौफ सा होता है, अगर अहमद खान अगर थोड़ा सा भी दूर चला जाए खौफ सा होता है, इसलिए जाने नहीं देती। वो कह रहे मम्मा ऐसे बैठ के क्या करूँगा, सो ही जाता हूँ, आप मुझे खेलने तो दे नहीं रही। मैंने कहा बेटा शाम को खेलना, दोपहर को सो जाओ। अब जी जी जानी भाई, वो अहमद तो माशाल्लाह सो भी चुका है और हम भी सोते हैं, मोहम्मद सही को भी सुलाते हैं। दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है, बल्कि इससे ज़्यादा हो चुका होगा। अच्छा जी अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए बहन भाई चैनल पर आते हैं ऐसे ना जाएं, लाइक शेयर करें चैनल को। और जी आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हमें भी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।